कि जिस प्रकार मेरे माता पिता है ना, उसी प्रकार मैं आपके माता पिता की भी सेवा करूंगी। परंतु आप जिस प्रकार आपके माता पिता को समझते हैं, ऐसे आप मेरे माता पिता को भी समझे तो मैं आपके वाह मांग में आना चाहूंगा। स्वीकार है। तीसरे वचन कुटुंब का पालन पोषण करें, भरण पोषण करें। अब भरण पोषण करने के लिए अपने को कुछ मुद्राएं तो कमाना पड़ती है ना, तो उसका भी आप मुझे हिसाब दे। हिसाब भी देंगे, हिसाब भी तो हिसाब उधर ही है, देने की बात ही नहीं है। एक प्रमोशन ना तो उस चीज का भी आप मुझे सहयोग बताएं कि कौन सी बैंक में कौन सा अकाउंट है तो मैं आपके वाह मांग में आऊंगी। स्वीकार है। वचन में आप चौथे वचन में धन धान्य आदि का लाभ खर्च करो। अगर आप कहीं खर्च कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो आप मुझे बताएं। ठीक है। तो और दूसरे के घर में रखो या मेरे को पूछ के रखो। अगर किसी के घर पर भी धन रख रहे हो तो मेरे को बता के रखें। और जिस प्रकार आप लाते हो तो उसका आधा हिस्सा तो आप मम्मी पापा को दो, मेरे सास ससुर को दो, और आधा हिस्सा मुझे दो कि मैं घर चलाने के लिए गृहस्थ कार्य में जब करूँ। खर्चा चलाने के पैसे तो दे देना है। ये आपके ऊपर है ना, पॉकेट मनी आपको देना है उनको। सही है। तो मैं आपके वाह मांग में आना स्वीकार चाहूंगा। ये चौथे वचन में कन्या मांग रही है वर्ष से, आपको मंजूर है साहब? मंजूर है। तालिया। अरे खरगोश बड़ा मंजूर है। अत्यंत ही भावना कामना हुए परंतु पर स्त्री को नहीं देखे। किसी प्रकार की भी आवेशना से आप सबको देखे परंतु उनको बहन समान माता तुल्य। जाओगे वो तो वैसे भी बहन ही मानता है। जगत भैया हूँ। गली जगत भैया बोलो। पीजे भैया बोलो। पीजे भैया की। तो मैं आपके सातवें वचन में यह मांग रही हूँ, अत्यंत हर्ष कामना होते हुए परंतु पर स्त्री को आप नहीं देखे और मुझे भी हर्ष उल्लास के साथ आप निभाएं तो मैं आपके वाह मांग में आना चाहूंगी। ये सातवें वचन में मांगा है साहब। स्वीकार है। स्वीकार है। इति सातवें वचन वाक्यानि तदा तोयं जगत् क्रिया वचनं सप्तमः। जैसे ही मैंने मंगलसूत्र दिव्या को पहनाया वो रोने लग गई। मैं समझ सकता हूँ ये मोमेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल था। आज से 5 साल पहले 7 सेकंड से शुरू हुई हमारी दोनों की कहानी यहाँ तक पहुँच जाएगी यकीन ही नहीं था। मैंने उससे आज से 5 साल पहले कहा था कि शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा, और ये वादा जब पूरा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरे पास दिव्या है, और मुझे इस बात का बहुत घमंड है। साथ में या सिंगल? सिंगल वो तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ और एक बार और।
तूने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सो बार शुक्रिया, क्या कुछ नहीं किया, सो बार शुक्रिया, हंड्रेड बार शुक्रिया, बस फाइनली यहाँ पर हमारी शादी कंप्लीट हो गई थी। अब वक्त था विदाई का। ये बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट होता है एक लड़की के लिए, एक बाप के लिए और एक माँ के लिए। यहाँ पर मुझे भी रोना आ गया था जब मैंने दिव्या के पापा को देखा। एक पिताजी जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी नहीं रोते, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तब बहुत रोते हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और आंखों पे चश्मा लगा रखा था ताकि किसी को दिखे ना। फाइनली वक्त था कि दिव्या को हमारे घर ले जाने का, तो गाड़ी तैयार थी और सारे लोग भी रेडी थे। तो देखते हैं घर जाके क्या क्या होता है, क्योंकि हमारे उसमें भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो घर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या प्रोग्राम वहाँ पर होते हैं। क्या कर रहे हो दिव्या दी? फोन चालू हुआ दिव्या दी ना? तो हमारा पूरा चेकआउट हो गया है क्योंकि शादी हो गई है, अब घर जाके सोएंगे। बहुत सारा सामान पड़ा है, वो सारा घर पे वापस शिफ्ट करना। अंकल जी क्या हो रहा है अभी? क्या अभी क्या हो रहा है? पैकअप हो रहा है। पैकअप पैकअप हो गया। शादी कब हुई? शादी पूरा वीडियो दिखा नहीं आपने? शादी कल हो गई है और आज पैकअप हो गया है। दिव्या दी की सीधे भाई यहाँ से जा रहे हैं। अरे यहाँ है वो नीचे वाले, जहाँ पे हमारी शादी थी वहाँ से हमने पूरा पैकअप कर दिया है। क्योंकि ये सारे ज्वेलरीज के बारे में मुझे ही पता था कि कौन सी किस में जानी है, कहाँ रखनी है, तो इसलिए मुझे ही आना पड़ा। और मोए मोए हो गया और कल से अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, अब घर जाके नहाऊंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ,